लोग एक बार दोबारा क्या पढ़ेंगे, आधा अक्षर। आधा अक्षर क्या होता है, कभी आया दिमाग में? जितनी भी हमारी वर्णमाला है यानी का से लेकर ज्ञा तक बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जा सकते हैं। बार बार ये सब चीजें समझाई गई है। जैसे आप छोटा सा एक अक्षर लीजिए क, जब हम क बोलते हैं तो क में क्या निकल रहा है, अ निकल रहा है। क्या निकल रहा है, अ। और अगर हम इसको आधा अगर हमें करना है तो यहाँ अगर हम हल चिन्ह लगा देंगे तो क हमारा आधा हो जाता है। लेकिन इसका दूसरा तरीका कि जब हम क में यहाँ एक आपको हुक दिखाई दे रहा होगा, जब इस हुक को हम काट देते हैं तो का एक और रूप में इस तरह से आधा हो जाता है। अब जब ये आधा हो जाता है तो इसको हम पढ़ते कैसे? जब भी कोई शब्दों का हम उच्चारण करते हैं तो गलत करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते कि हमारा वर्ण स्वर विहीन हो गया, यानी स्वर उसमें अस्वर निकल गया। अब यहाँ बहुत सारे आपको शब्द दिखाई पड़ रहे होंगे, जब इसका इमला बोला जाता है तब आप कंफ्यूज हो जाते हैं, जब इस शब्द को पढ़ने के लिए कहा जाता है तब भी आप स्वर का उच्चारण इसके साथ कर लेते हैं। तो मैंने कई तरीके इसके पहले भी आपको बताया हुआ है कि जब हम आधे अक्षर का उच्चारण करते हैं तो हमारा पेट हल्का सा अंदर की तरफ जाता है। जैसे अच्छा, बच्चा, सच्चा, कुछ भी बोलते हैं तो ये पेट हमारा हल्का सा अंदर की तरफ जाता है। या कहते हैं पहला अक्षर दूसरे अक्षर को क्या करता है, खा लेता है, और तीसरा अक्षर वो उगल देता है, क्योंकि खाना उसका क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। लेकिन एक तरीका और आप नया समझिए, उससे और आसान हो जाएगा। शब्द हमने यहाँ क्या लिखा है, अक्टूबर। क्या लिखा, अक्टूबर। आप ध्यान क्या रखना है कि ये आ जो है वो का में समाहित हो रहा है, घुस जा रहा है। जैसे अब वो सीधे क्या करेगा, आप का अपनी तरफ खींच लेगा, आप इसको खींचेगा, का को अपनी तरफ खींच लेगा और ट्यूबर को फेंक देगा दूर। अब समझ लेना है कि इसमें क आधा है, आ जो है का को जोर से अपनी तरफ खींच रहा है, अब ट्यूबर। और अगर कहीं आपने इसको पूरा कर दिया तो पढ़ेंगे अकटूबर, ना अकटूबर पढ़ेंगे और ना ही अकटूबर लिखेंगे। आने इसको खींचा अपनी तरफ का को और टूबर को किनारे किया, बन गया अकटूबर। बोल के देखो, पूरा शब्द आपको यहाँ दिख रहा होगा मक्का। अब बोल कर देखो मक्का। माने किसको शक किया, किसको खींचा, का को और दूसरे वाले का को छोड़ दिया और हमने लिखा मक्का। सारे तरीके इस्तेमाल करो। यहाँ पर आपकी ध्वनि सुनाई नहीं पड़ रही है। जब भी कोई वर्ण जो आधा हो उसको बोलते हैं तो उसमें वक्त कम लगता है। पहली चीज, पहला अक्षर दूसरे अक्षर को, यानी जो आधा अक्षर होगा उसका पहले अक्षर चाहे आधा चाहे जमा पड़े वो अपनी तरफ उसको खींचेगा और दूसरे अक्षर को छोड़ देगा और पेट हल्का सा अंदर जाएगा। पहले जब भी बोला जाए ध्यान से सुनो और लिखने के समय याद करो, अगर हमने इसको का पूरा कर दिया तो हम पढ़ेंगे मक्का। लेकिन हमको पढ़ना क्या है, लिखना क्या है, मक और का। हम आएंगे, हमने लिखा है हेड मास्टर, हेड मास्टर। अगर कहीं सा पूरा आपने कर दिया तो हेड मास्टर हो जाएगा, जबकि मास्टर यानी मां ने सा को अपनी तरफ किया और क्या छोड़ दिया, टर को, मास्टर। यानी मां ने सा को अपने में समाहित किया और टर को छोड़ दिया, बन गया हेड मास्टर। बोल कर देखो, हल्का सा कहीं ना कहीं आप एक सेकंड के लिए कहीं आपका पेट अंदर जाएगा, आप रुकोगे, आपको समझ में आएगा कि ये वाला जो सा है ये स्वर विहीन है, ये आधा अक्षर है। फिर हम बात व्यायाम की करें।
जब इस प्रकार का शब्द आता है तब भी हम में गलतियां होती हैं। हम इसको वा, ये आधा है, हम इसको पूरा पढ़ते हैं व्यायाम। जबकि हमेशा ध्यान रखो, जब आधा अक्षर शुरू होता है, किसी भी शब्द में आधा अक्षर शुरू होगा तो ये बेचारा इसमें जाकर छिप जाएगा, तो हमें वा की ध्वनि कम सुनाई पड़ेगी और या की ज्यादा सुनाई पड़ेगी। जैसे बोलकर देखो, व्या, वा किसमें चला गया, या में, व्या, व्यायाम। वा किसमें गया, या में, और हमने पढ़ा व्यायाम। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे पा में आ छिपा तो प्यार, प्यारी। हम लोग जैसे क्या होता है, जैसे क्या होता है तो क में या, है ना, क या में सुनाई पड़ेगा हमें। जैसे हम कहते क्या, और गलती यही करते हैं कि हम का को पूरा कर देते हैं और या को कया पढ़ लेते हैं, यही से हमारी गलतियां शुरू होती है। आगे का शब्द देखिए, ये है अवश्य, इसमें भी ध्यान रखिए, अवश्य क्या हुआ, अवश्य, यानी वा ने शा को अपनी तरफ लिया और या को छोड़ दिया, यानी वा ने शा को खा लिया आधा और या की उल्टी कर दिया, उसको हटा दिया, तो हमने क्या पढ़ा इसको, अवश्य। अब अगला शब्द हम यहाँ देखेंगे किस्म, क्या लिखा है, किस्म। आप वैसे ही तरीके से आप पढ़िए, अगर आपने इसको पूरा कर दिया तो किस्म हो गया, लेकिन आपको क्या पढ़ना है, किस्म, क्या पढ़ना है, किस्म। तो की ने सा को अपनी तरफ किया, की ने सा को अपनी तरफ किया और माँ को छोड़ दिया, समझ में आया, इसीलिए हम इसको पढ़ेंगे किस्म, किस्म नहीं, किस्म। अब आगे एक शब्द आपको दिख रहा होगा, यहाँ हमने क्या लिखा है, बुद्धि, क्या लिखा, बुद्धि। अब यहाँ दा में हल चिन्ह लगने का मतलब है कि दा आधा है। मैंने बताया है कि जितने भी गोल अक्षर होते हैं, जितने भी गोल अक्षर होते हैं उनको इस प्रकार से आधा लिखते हैं, और जितने पाई वाले और हुक वाले अक्षर होते हैं उनको इस प्रकार से हम लिखते हैं, उनकी पाई हटा देते हैं, हुक हटा देते हैं और वो अक्षर आधा हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब ये हमारा दा आधा हो गया, तो दा किसमें जाकर मिलेगा, यानी बुध, बू ने दा को अपनी तरफ खींचा बुध, और धी को जोर से फेंका, बुद्धि, 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 समझ में आ रहा है। इस प्रकार के अक्षर जब आते हैं तब भी आप गलती करते हो पढ़ने में, ये ध्यान रखना। अब एक बहुत अच्छा शब्द, अच्छा, बहुत ही अच्छा शब्द, अच्छा क्योंकि हम बचपन से इस शब्द को बार बार पढ़ते हैं और बार बार लिखते हैं, वही तरीका अपनाओ, कोई भी आधा अक्षर कभी भी गलत नहीं होगा। जैसे आ ने अच्छा, आ ने चा को अपनी तरफ किया और छा को फेंक दिया, आ ने अपनी तरफ किसको किया, चा को, अच्छा, बच्चा, सच्चा, मट्ठा, यानी जो भी आधा अक्षर होगा वो सामने वाला अक्षर अपनी तरफ खींच के दूसरे वाले अक्षर को फेंक देता है। फिर एक शब्द यहाँ देखिए, अंदर, क्या लिखा है, अन, वही तरीका, अगर इसको पूरा आपने कर दिया तो आना दर हो गया, क्योंकि हम तेजी से बोल रहे हैं, आधे अक्षर को बोलने में समय कम लगता है। कई तरीके से पढ़ो, ट्रिक से पढ़ो, एक बार याद होगा तो बार बार वो गलतियां नहीं होगी। अब यहाँ इसको क्या हुआ, आने इसको अपनी तरफ किया, ना को, अन, और दर, दर को किनारे कर दिया और ना को अपनी तरफ ले लिया और हमने एक शब्द पढ़ा अन। फिर आगे हम देखेंगे कि यहाँ भी आधे अक्षर से शब्द शुरू हो रहा है। जब पहला ही अक्षर आधा हो, ध्यान रखना, जब पहला ही अक्षर आधा हो तो इसका उच्चारण कम करेंगे। ये पा है, या में पूरी तरह से जाएगा, हम पढ़ेंगे प्या, क्या पढ़ेंगे, प्यारी,
हम पढ़ेंगे प्यारी। अब प्यारी पढ़ने लग जाओगे तो पा तो पूरा हो गया ना। पढ़ना क्या है आपको, आपको ये पा जो है वो स्वर के विहीन पढ़ना है, यानी इस तरह से पा पढ़ना है। ये पा को हम इस तरह से लिखेंगे, तो इसको हम कहेंगे प्यारी। ठीक है, अगला शब्द बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है और लिखा होता है क्या, वही तरीका अपनाओ। का जो है किसमें घुसा है, या में। क्या का अपना अस्तित्व किसमें विलीन किया है, किसमें समाहित, या में। हम पढ़ेंगे खाया नहीं, क्या हम पढ़ेंगे क्या। उसी प्रकार देखिए द्वारा, एक शब्द आपको दिखाई पड़ रहा होगा द्वा, ये आधा है, पहले ही अक्षर आधा है, जिसको हम पढ़ेंगे द्वा, यानी दा कम सुनाई पड़ रहा है ना, और वह ज्यादा सुनाई पड़ रहा है, क्योंकि जो आधा होता है उसको हम बहुत फटाक से बोलते हैं, बहुत जल्दी से बोलते हैं, द्वा द्वारा, इसको हम क्या पढ़ेंगे द्वारा। ठीक, अब एक शब्द आता है जुम मन, आसान हो गया पढ़ना ना, जुम जुम मन, आसान हुआ कि नहीं पढ़ना, जुम और मन। अब हम समझ गए कि जू माँ को अपनी तरफ ले रहा है और मन को छोड़ रहा है, तो हम इसको पढ़ेंगे जुम मन। फिर देखिए ऊ जो है ता को अपनी तरफ ले रहा है, उत्तम, और किसको बाहर फेंक रहा है, तम को, उत्तम। जब भी आपको कोई शब्द बोला जाए उसको पहले बार बार अपने दिमाग में ले आओ, उसको समझो, पढ़ो, फिर जब लिखने की कोशिश करो तो लिख लो, लिखने के बाद उसे फिर पढ़ो, जहां गलती आए वहां उसको सुधार दो। अब अगला शब्द हम देखेंगे आनंद। जब हमने आपको बोला आनंद, तो ध्यान रखो आपका पेट अंदर कहां जा रहा है, नंद, ना ना को ले रहा है, ना को छोड़ रहा है, आनंद, और आपने पढ़ लिया आनंद। मैंने यहाँ एक शब्द लिखा है पत्नी, पाने ता को लिया और नी को छोड़ दिया। जब हम बोलेंगे पत्नी, तो ध्यान रखो हल्का सा पेट अंदर जाता है, क्योंकि हम वहां पर कुछ सेकंड के लिए रुकते हैं, पत्नी पत्नी पत्नी, ध्यान रखा। आप देखो अब अगला शब्द हमारा है चट्टान। मैंने क्या कहा, जितने भी गोल अक्षर होते हैं उसको आधा हम हल चिन्ह के रूप में लिखते हैं, तो हमने यहाँ भी चाने ट को लिया चट और टान को छोड़ दिया, चट्टान। ठीक है, यहाँ ऊने ता को लिया उत और साह, साह को छोड़ दिया, उत और साह। अब यहाँ देखिए एक शब्द दुष्कर, ये वाला ये शाह है, ठीक है, ये वाला शाह है, तो इसको हम पढ़ते हैं दुष, दू ने शाह को लिया और कर को छोड़ दिया, दुष्कर। ठीक, आगे बढ़िए। अब यहाँ एक शब्द बार बार हमको पढ़ने में आता है पूरी किताब में, निश, निश यानी नी ने शाह, ये वाले शाह को, ये वाले शाह को, नी ने शाह को अपने अंदर लिया और चय को छोड़ दिया, निश्चय निश्चय निश्चय। अब यहाँ एक शब्द तुम, बोल के देखो समझ में आ रहा होगा, तुम हारी, तूने माँ को लिया और हारी को छोड़ दिया, और दूसरे तरीके से भी याद करो, बोल के देखो तुम और हारी। आगे हम पढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ एक शब्द लिखा है चुट्टी, चुट्टी, यहाँ शब्द लिखा है चुट्टी, यानी जब हम आधे अक्षर वाले शब्द सुनेंगे तो अपने आप समझ में आ जाता है कि ये आधा अक्षर है, इसकी पाई निकालना है, ये गोल अक्षर है, इसमें हल चिन्ह लगाना है, किस प्रकार से हम लिखेंगे और आधा अक्षर कहाँ सुनाई पड़ रहा है। फिर देखिए लास्ट शब्द हमारा है अगस्त, अगस्त अगस्त, अगर हमने इसको पूरा कर दिया तो पढ़ो अगस्त, अगस्त बोले नहीं थे ना, अगस्त, वही आपको समझ में आ जाएगा कि आधा अक्षर कहाँ है। इस प्रकार से हमने बहुत सारे शब्द देखे और आधा अक्षर समझने का प्रयास किया।